उन्होंने बादल साहब का बड़प्पन देखो जदों प्रधानमंत्री आए टाइम च बैठे नैचुरली एज ए कट सी वड्डे सीगे मुख्यमंत्री सी उन्होंने उन्होंने नाल गल चालू की पर बादल साहब ने कहा नहीं बादल साहब कहते मनमोहन सिंह जी जाखड़ साहब कुछ कहना चाहते थे नैचुरली मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिक्वेस्ट की साडा जिहड़ा हाल है तो स्टेट को इन्ना सरमाया है नहीं साढ़े को वसीले है नहीं भी असी आ सेम की समस्या अपने तौर पर हल करिए ते थोड़ू बेनती है कि साड़ी कोई मदद करो। उसके बाद बादल साहब ने अपनी गल रखी उन्होंने भी यही गल कही भी साडा बहुत वड्डा नुकसान हो रहा इस इलाके का। डॉक्टर मनमोहन सिंह हस के बोले कहिंदे बादल साहब तजर्बा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है राजनीति से मेरे नालों बहुत ज़्यादा है पर मेरा जिन्ना मैं देखे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर मैं पहली बार देख रहा एक मुख्यमंत्री ते उहदे नाल लीडर ओपोजिशन दोनों इकट्ठे आके इको मसले के उत्ते पैरवाई कर रहे हैं। मैं क्या सर मैं कोई ना कांग्रेस की गल कर रहा ना मैं अकालिया की गल कर रहा ना बादल साहब की ना सुनील की मसला पंजाब का है। उसके बाद असी खाने पर चले गए फिर डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या करेंगे बाद कुछ दिन बाद फोन आया बादल साहब का मेरे को कहते जाखड़ साहब उन्होंने कहने का तरीका देखो उन्होंने तो सीखने वाली गाली गल कौन सुनील जाखड़ की उन्होंने सुनील जाखड़ की लड़ सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैसे पंजाब के नहीं हमेशा खुले कफे रखे उन्होंने फोन आया कि जाखड़ साहब आप दोनों ने मिल के बेनती की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्होंने अपनी मीटिंग फिक्स की है दिल्ली बुलाया अपन आप चल के पहला डॉक्टर मनटेक सिंह मिलना फिर उन्होंने मिला तुम चलोंगे ना आप इकट्ठा कम किया मैं क्या सर तुम मेरा हुक्म करो जो दस दोगे डेट दस दौ मैं हाजिर हो जाऊँगा कहते अच्छा मैं फिर तुम्हें इनफॉर्म कर देना कि दिन चला फोन रखता। वो बाद जो वापरिया ना सर वो एक राजनीतिक जितने जितने खरा तो खोटा चेक करते टच स्टोन बनना है राजनीति का। फोन आया दो मिनट बाद हस के जिम्मे कहते क्या चो साहब तुम हाँ तो करती मेरे नाल चलण की पर मेरी थोनू बेनती है जिमें कहते मेरी बेनती है थोड़ा गौर कर लो कितने थोड़ा मेरे नाल जान करके राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। मैं कि मेरा राज कह नहीं थोड़े वाले पार्टी वाले पहले ही थोड़े मगर डांगा गड्डी फिरते हैं तो उन्होंने कर देना भी बादलों नाल रले है तो नुकसान हो जूगा को उतों ही नहीं तुम कहता मैं कह नहीं सर मैं एडा को कमजोर नहीं ना ही मैं कुर्सी दे ना ही माई कॉन्शियस इज क्लीयर पंजाब की गल करनी है ठोक के करा जी कुर्सियाँ मैं ठुडे तो रखदा कहते नहीं तुझे आप जिदा की गल करिए मैं जो है जी मैं जिस तरह हाजिर हाँ मैं क्या ठीक चला असी सब गए डॉक्टर मनटोक सिंह आलूवाल उन्होंने भी है पहली बार अजूबा देख रहे हैं भी लीडर ऑफ अपोजिशन से चीफ मिनिस्टर कट्ठे आए हैं 1200 करोड़ रुपये सेंक्शन किए साड़ी मीटिंग प्रधानमंत्री नाल सी उस दिन कोई फॉरन डेलीगेशन आ गया वो हो नहीं सकी पर 1200 करोड़ रुपये सेंक्शन किए वो बादल साहब के मूँह पंजाब डॉक्टर मनमोहन सिंह की फराख दिली नु सीगे पर मेरे वर्गे बंदे नु उन्होंने एहसास बादल साहब ने करवाया भी थोड़े दे अपने कट्ठे सहयोग करके क्योंकि मैं वो दिन भी याद है भला जी तुम खड़े हो तुम्हें पता है एक दिन साढ़े वाले वड्डे लीडर जिहड़े उदों मेरे तो पहला लीडर ऑफ अपोजिशन सीगे 7 तो लैके 12 ताई उन्होंने कहता सी भी बादल साहब जी थोनू कोई पैसों की लोड़ पे असीं थोड़े नाल चलांगे डॉक्टर मनमोहन सिंह कोल ते उन्होंने कहा सी बीबी जी जान दिओ मैं मैनू लोड़ नहीं किसी सिफारिश की मैं आपे लैके आऊंगा। देखो किन्ना फर्क है सर उन्होंने चल के सुनील नूं कहा चलिए लैके आए उस गल का उन्होंने सन्मान किया असैंबली च कहा वो यादा मैं नाल लई फिरदा अज भी मैं वो जी फोटोग्राफ है जी उस टाइम साड़ियां मुलाकातां हुई हैं कल भी इस मसले नूं लैके मैं ट्वीट किया चंगा तुसीं हुण गल करी जाणा मैं हुणे तुहानूं पार्टी नहीं सर पार्टी की गल नहीं बादल साहब का उन्होंने मूंह गल कहनी आप उस बात को याद करना चाहोगे जो कि बादल साहब कहते थे चौधरी साहब जितना बोलना चाहते हैं इनको बोलने का समय मैं कहता हूँ सर एक ही दफा उन्होंने हमेशा जब को टोकने भी लगता था उनकी अपनी तरफ से जैसे क्योंकि सत्ता देर में थे अपोजिशन हमने तो नुक्ताची नहीं करनी थी तो कोई बीच में बोलता अकाली या बीजेपी साथी तो कहते बैठ जाओ चौ साहब की गल सुननी है मैं बैठ जाओ। एक ही दफा हुआ जब वो नीली सूंडी वाला मैं उसको नीली कहता हूँ जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं तो व्हाइट फ्लाई वाले उस चक्कर में जब मैं बोला तो जब मैं बोल के खत्म बैठा किसी ने नहीं टोका ना बादल साहब बैठे थे बड़े गौर से सुनते रहे खड़े होके फिर उस समय शायद कालो साहब नहीं थे अपने यही थे नहीं 12 अपने
अज तुसी जाखड़ साहब ते कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए, डेढ़ घंटे बोलने का टाइम देता तो माड़ा मोटा सानू भी दे दिया करो। देखो कहने का तरीका साहब उनका कभी भी हर किसी दे सुनदे सी, इसे करके कहा जांदा है कि एहो जिहा इंस्टीट्यूट सी बादल साहब कि हर किसी ने उन्हां तों सीखण दी कोशिश की है। बिल्कुल साहब, मैं कह के हटिया भी मैं उन्हां वास्ते एक लव्य हाँ जी, मैं दूरों बैठ के सीखिया क्योंकि मैं राजनीतिक विचारधारा जिहदे नाल जुड़े सीगे, अकाली विचारधारा नाल मेरे फर्क सीगे, पर बादल साहब नू गुरु मनन च मनु किसे किस्म का कोई है नहीं। उन्हां तो जो हलीमी है जिहड़ी उन्हां दा निम्रता देखो साहब, आ आ आ फोटोग्राफ सर उपर लगदा कैमरा सब केडियां गल्लां लगदियां ने, केडियां आत्तां लगदियां ने जिहड़े पंजाब दे सियासतदानां नू अपनाउणियां चाहीदियां ने प्रकाश सिंह बादल दियां सारियां सीखण वालियां जी। अज दे दिन तां अज तां सियासत दा जिहड़ा सियासत दा जो जलूस निकलिया होया अज दे दिन, हमेशा कहंदे हुंदे सी जदों भी कदे मिले गल्लबात होई है जाकर साहब पॉलिसीज दे उत्ते पार्टी दे उत्ते मुद्दियां दे उत्ते क्रिटिसाइज करो, निजी तौर ते किसे ते गल्लां करनियां राजनीति दा जमा ही कहिंदा इहदा बेड़ा गर्क हो जूगा। आपां नूं सारिआं नूं रल के आ लोकां नूं आ करना चाहिए। आ सब एक मेरे वास्ते एक यादगार है, आ कल्ले आ ही नहीं, जदों इस तों पहलां उत्थे हुई कईआं ने कांग्रेसीआं ने जा के शिकायतां वी लाई क्योंकि मैं उहनां दा अगर किसे राजनीतिक लीडर दे गोडी हत्थ लांदा सीगा ओह सारी घाट ही घाट है साहब, कोई किसी जे कोई मैं चीज नहीं देखी है। लोगों ने कांग्रेसियां ने जाके उ लीडरशिप देखो जी, जाकड़ दा बादलों नाल रल गया जी, लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ मिनिस्टर दे गोडी हत्थ लाई जांदा है, को गोडी हत्थ लवाण वाले दा बनो, चीफ मिनिस्टर के अहुदे तो नहीं उस शख्सियत दे गुड़ी हत्थ ला रहे थे। जैकट साहब सब तो वधिया आदत की लगती सी तुहानू बादल साहब दी? हलीमी साहब।